हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एट नॉलेज यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको जीके जीएस के सारे टॉपिक और सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सो आज हम लोग यहां पर देखेंगे जीके स्पेशल, जिसमें फर्स्ट इन स्पेस। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो पहला है फर्स्ट मैन टू इंटर स्पेस। तो स्पेस में पहला व्यक्ति जाने वाला कौन था? तो यूरी गैगरिन। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रशिया से। कब गए थे? 1961 में, ठीक है। तो इन 1961 रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन बिकम द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस, मेकिंग ए 108 मिनट्स, ठीक है, याद रखिएगा 108 मिनट। तो 108 मिनट के लिए ऑर्बिटल फ्लाइट इन द हिज वोस्टोक 1 स्पेस क्राफ्ट। तो स्पेस में ये 108 मिनट तक रहे थे। तो इनका क्या नाम है? यूरी गैगरिन। कहाँ से? रशिया से बिलोंग करते हैं। और कब गए थे? ये 1961 में, ठीक है। देखिए सेकंड है फर्स्ट वोमेन कॉस्मोनॉट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए फर्स्ट वोमेन कॉस्मोनॉट, तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कॉस्मोनॉट क्या होता है। तो ये देखिए कॉस्मोनॉट क्या होता है, एक तरह का वो भी एस्ट्रोनॉट ही होता है, लेकिन वो जो कॉस्मोनॉट जो होता है वो एक पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता है, उसको कहते हैं कॉस्मोनॉट, ठीक है, एस्ट्रोनॉट ऑफ द सोवियत रशियन। रशियन स्पेस सेंटर से जो एस्ट्रोनॉट भेजा जाता है उसको हम लोग कहते हैं कॉस्मोनॉट। तो फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट कौन थी? तो वैलेंटिना टेरेस्कोवा, ठीक है, वैलेंटिना टेरेस्कोवा। ठीक उसके दो साल बाद गई थी, 1963 में गई थी। टेरेस्कोवा वाज लॉन्च इन सोलो मिशन अब्रॉड द स्पेस क्राफ्ट वोस्टोक 6, ठीक है, वोस्टोक 6, ठीक है। फिर बोलते हैं कि सी वोस्टोक एंड सी स्पेंड, देखिए ये कितना, ये 70 आवर्स, इससे ज़्यादा, यूरी गैगरिन से 70 आवर्स ज़्यादा ये रही थी ऑर्बिटिंग द अर्थ। नेक्स्ट है फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट टू फ्लोट इन स्पेस। तो देखिए स्पेस में पहला एस्ट्रोनॉट जो फ्लोट किया था तो वो है एडवर्ड वाइट, ठीक है, कब हुआ था? 1965 में एडवर्ड वाइट बिकम द फर्स्ट अमेरिकन टू वॉक इन स्पेस, वेयर ही वेंचर्ड आउटसाइड जेमिनी कैप्सूल इनटू वैक्यूम ऑफ द कॉस्मो। नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, ठीक है, पहला व्यक्ति जो मून पे लैंड किया है तो वो है आपका नील आर्मस्ट्रांग, फॉलोड बाय एडविड एल्ड्रीन। देखिए तीन पर्सन थे इसमें, थ्री पर्सन्स। ये कौन से मिशन था? अपोलो 11 याद रखिएगा, ठीक है, ये अपोलो 11 मिशन था जिसमें मून पे ये लोग लैंड करने गए थे। तो याद रखिएगा कब हुआ था? ये 1969 में, ठीक है। तो 1969 नील आर्मस्ट्रांग बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन द मून, फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन, अपोलो 11 मिशन, ठीक है। इस स्पेसक्राफ्ट में तीन लोग गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, एल्ड्रिन और आपका माइक कॉलिंस। अगला है फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। तो पहला स्पेस टूरिस्ट कौन था? तो डेनिस टिटो, डेनिस टिटो, ये आपका पहला स्पेस टूरिस्ट है। तो डेनिस टिटो कौन थे? तो डेनो बिजनेसमैन थे। तो डेनिस टिटो वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट, एक्सपेंड 8 डे, कितने दिन के लिए एक्सपेंड किए थे? 8 दिन, ठीक है, 8 डे एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2001 में, ठीक है, याद रहेगा। अगला ये देखिए, ये आपका फिगर में, ये आपका यूरी गैगरिन है, मैन इंटर द स्पेस। ये आपका फर्स्ट वुमेन इन स्पेस,
वैलेंटिना टेस्कोवा, ये आपका एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग, माइक कॉलिंस, बज एल्डिन फ्यू ऑन द अपोलो 11 मिशन। ठीक है, अपोलो 11 मिशन में ये तीनों गए थे। नेक्स्ट है, फर्स्ट कॉस्मोनॉट टू एक्सपेंड अबाउट 17.5 डे इन स्पेस एंड्योरेंस फ्लाइट। ठीक है, 17.5 डे कहाँ एक्सपेंड किए थे, कौन थे, तो ये आपका होगा एल्ड्रिन निकोलाइए एंड विटली। ठीक है, ये कौन से स्पेस क्राफ्ट में गए थे, सुयोस 9। कब गए थे, 1970। क्लियर है। नेक्स्ट है, फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस शिप टू हैव सॉफ्ट लैंडेड एंड लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द मून टू रिटर्न टू द अर्थ। इसमें बोल रहा है कि पहला अनमैन्ड स्पेस शिप, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट गया था जिसमें कोई भी आदमी नहीं था, लेकिन वो सॉफ्टली मून पर गया और वापस अर्थ की ओर आ गया, तो वो कौन था, लूना 16 यूएसएसआर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो लूना 16 वाज द फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट टू कैरी द लूना सॉयल सैंपल बैक टू द अर्थ। ठीक है, वहाँ से कुछ सॉयल का सैंपल मून से लेकर अर्थ की ओर लौट गया। फर्स्ट अनमैन्ड मून बगी टू एक्सप्लोर सरफेस ऑफ द मून। तो देखिए, फर्स्ट अनमैन्ड मून बगी कौन गया था, तो लूना कॉर्ड वन। ही वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल रोवर टू एक्सप्लोर अनदर वर्ल्ड। इट अराइव ऑन मून ऑन 1970 एंड लूना 17 लैंडर बाय रशिया के द्वारा ये भेजा गया था। अमेरिका फर्स्ट मिशन टू सैटर्न, तो अमेरिका का जो पहला मिशन सैटर्न पे कौन था, कैसनी स्पेसक्राफ्ट। क्लियर है, कैसनी वाज द फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस क्राफ्ट टू लुक एट सैटर्न एंड इट्स सिस्टम। ठीक है, कैसनी जो था पहला डेडिकेटेड स्पेस क्राफ्ट था जो कि सैटर्न के लिए भेजा गया था। ये आप देखिए लूनर 16 जो मून पे भेजा गया था, ये लूना कॉर्ड 1, ये देखिए कैसनी स्पेस क्राफ्ट, इसका ये सैटर्न पे भेजा गया था, और ये देखिए एंटीना लगा हुआ है ताकि वहाँ से वो इमेजेस कैप्चर करके ले आएगा सैटर्न का, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर अर्थ पर स्टडी करेंगे। क्लियर है, अगला देखिए, फर्स्ट स्पेस व्हीकल टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून। तो पहला स्पेस व्हीकल कौन था, तो लूना 9। देखिए लूना 9, अब लूना 16 क्या था, वो अनमैन्ड था। ठीक है, लूना 16 लूनो कॉर्ड जो था वो अनमैन्ड था। क्लियर है, ये क्या था, फर्स्ट स्पेस व्हीकल टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून कौन होगा, लूना 9 यूएसएसआर से बिलोंग करता है। फर्स्ट वुमेन स्पेस टूरिस्ट, देखिए वो था मेन, फर्स्ट मैन स्पेस टूरिस्ट कौन था, डेनिस टिटो याद है, फर्स्ट मैन स्पेस टूरिस्ट है वो। ये फर्स्ट वुमेन स्पेस टूरिस्ट कौन है, मिसेस अनौसे अंसारी, ईरानियन अमेरिकन। ठीक है, ये ईरान में जन्म ली थी, लेकिन वो अमेरिकन में फिर सिटीजनशिप अमेरिकन की ले ली थी। तो इनके बारे में जानेंगे कि अनुसा अंसारी ईरानियन बॉर्न अमेरिकन बिजनेस वोमेन, ये एक बिजनेस वोमेन थी, एंड शी वाज द फर्स्ट मुस्लिम वोमेन टू गॉट इनटू द स्पेस इन 2003। ठीक है, 2003। लूना 9 के बारे में आप जानते हैं कि लूना 9 क्या था, फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू अचीव द लूनर सॉफ्ट लैंडर एंड टू ट्रांसमिट फोटोग्राफिक डेटा फ्रॉम द मून सरफेस टू द अर्थ। ठीक है, अगला देखिए, फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च, पहला स्पेस शटल कहाँ लॉन्च किया गया था, कोलंबिया, ये आपका यूएसए में है। ठीक है, ये आपका यूएसए में है, तो कोलंबिया वाज द फर्स्ट स्पेस शटल टू रीच इन 1981।
फर्स्ट स्पेस शिप टू लैंड ऑन मार्स, ठीक है, मंगल ग्रह पे पहला स्पेस शिप कौन लैंड किया था, तो विकिंग वन फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द मार्स केम ऑन 1976, ठीक है, 1976 व्हेन नासा विकिंग वन लैंडेड टच डाउन. फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट. देखिए रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट कौन पहला कंट्री लॉन्च किया, याद रखिएगा इसको, तो जापान, इसका आंसर होगा जापान. फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट, ठीक है, याद रखिए रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट कौन होगा, जापान. उस सैटेलाइट का नाम क्या था, हेल्का, HALCA, ठीक है, हेल्का. हेल्का जो था वो लॉन्च किया गया था ऑन फरवरी 11 बाय जापान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड एस्ट्रोनॉटिकल साइंस, ISA, ठीक है, आई वहाँ का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, ISAS, इज द फर्स्ट सैटेलाइट डिजाइन फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी. यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये आपका फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट है, डेन स्टिटो, USA से बिलोंग करते हैं. ये फर्स्ट वोमेन स्पेस टूरिस्ट फुलफिल ड्रीम आपकी अनसोई अंसारी थी, जो कि US सिटीजनशिप ली हुई थी, लेकिन उनका जन्म हुआ था आपका ईरान में. इनसे ये ऐसे वर्ल्ड में ये चौथी बनी थी, महिला में ये पहली थी. इनसे पहले ये तीन जा चुके थे स्पेस में, स्पेस टूरिस्ट के रूप में, पहला डेनिस टिटो, सेकंड मार्क शटरवर्थ एंड थर्ड ग्रिगोरी ओल्सन, ठीक है, ये तीन थे, ये चौथी बनी थी, महिला में ये पहली है, ठीक है. ये विकी वन का आपका इमेजेज है, ये हेल्सा वन, ठीक है, ये आपका हेल्सा क्या था, रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट. ये विकी वन कहाँ गया था, ये मार्स पे लैंड किया था, ठीक है. तो ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.